अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास, हमने एक्सरसाइज 6.6 करनी है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइजिंग। अभी तक हमने इसकी जितनी एक्सरसाइज पढ़ी है उसके हिसाब में हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि फैक्टराइज। हमारे पास क्वेश्चन है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। ठीक है, पहले हमने 3 के और यहाँ 2 वाली वैल्यू के फैक्टर पढ़े थे, अब हमारे पास 3 वाली वैल्यूज़ के फैक्टर वाली वैल्यूज़ के फैक्टर आ गए हैं। तो आप लोग देखें तो ये सारी वैल्यू अगर आप लोग इस पर गौर करते हो, इसके तो फैक्टर हमने पहले पढ़े हैं, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ ए का होल स्केयर प्लस 2, ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू डाली और फिर प्लस बी का होल स्केयर। तो ये सारे फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर का बनी सकता है, तो हमने पहले पढ़े हैं। साथ में ये माइनस सी स्केयर ले लें क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करके ए प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी होल स्केयर, साथ में आ गया माइनस सी स्केयर। तो ये देखिए ये सारी वैल्यू ए की, अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये वाली सारी वैल्यू बी की। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो लगा दिया ए प्लस बी, सॉरी पहले माइनस लिखा हुआ, तो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू तो वैसे सारी ए प्लस बी है और इसकी जगह पर माइनस सी, और ए की वैल्यू ए प्लस बी है और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, सी है। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ए स्केयर प्लस 6ab प्लस 9b स्केयर माइनस 16 सी स्केयर। इस तरह ए का होल स्केयर प्लस 2, एक जगह पे ए की वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू क्या बनती है, 3b का होल स्केयर। तो यहाँ पे 3b है, 3 2 का देखा 6ab बनता है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास लगी ए प्लस 3b होल स्केयर माइनस ये 16 सी स्केयर है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका फैक्टर बनेगा 4c, तो 4c का होल स्केयर। तो ये देखिए ये सारी वैल्यू ए और माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी सारी वैल्यू ए प्लस बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 9 ए स्केयर बी स्केयर। ए स्केयर ये प्लस बी होल स्केयर प्लस 2, एक जगह पे एक वैल्यू लिखी, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी, तो ये सारी वैल्यू बन गई ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 9 ए स्केयर बी स्केयर, यहाँ पर हमने लिख लिया 3ab होल स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हमारे पास ये आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, तो ए प्लस बी और ए आ गया हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 4x स्केयर माइनस 4xy प्लस 4y स्केयर माइनस 9x स्केयर y स्केयर। तो देखिए ये हमारे पास बन गया ए का होल स्केयर माइनस 2, ए की जगह पे x की वैल्यू, बी की जगह बी 4y स्केयर था, तो ये बनता है 2y होल स्केयर, तो यहाँ पे 2y है, तो 2 2 4 ही बनता है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास किसकी बन गई, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर ए माइनस बी होल स्केयर, यानी x माइनस 2y होल स्केयर बन गई। हमारे पास पीछे था ये 9x स्केयर y स्केयर, तो इसको हमने लिख लिया माइनस 3xy होल स्केयर। तो ये वाला देखें हमारे पास बन गया ये सारी वैल्यू ए माइनस ये बी स्केयर, तो इसके ऊपर हम लग सकते हैं स्केयर माइनस बी स्केयर के ऊपर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए एक वैल्यू एक्स माइनस 2y, आगे माइनस बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3xy। ए एक वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस 2y और आगे प्लस है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3xy। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है, 4 मैंने किए हैं, 5 जो 5th वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद करना है।